नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नागरिकता संशोधन कानून पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच यूपी की योगी सरकार पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जमकर तंज कसा। एक तरफ जहां भगवा वस्त्र पर योगी के उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर अराजकता के आरोप लगा दिए। आज कैसे मचा इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में संग्राम, यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, उनके खिलाफ सियासी जंग का ऐलान है। आदित्यनाथ के पहनावे पर टिप्पणी करके कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस यूपी के रण में अब अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली। मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट की गई हैं, जिसका नोटिस मिला है, उनमें दारापुरी जी भी हैं, वही 77 साल के IPS रिटायर्ड ऑफिसर, प्रोबेबली उनके जीवन की पूरी वो कमाई है जिससे उन्होंने वो घर लिया, उस पर भी नोटिस आया है क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंसा हुई। प्रियंका हिंसा के खिलाफ लोगों के परिजनों से मिलने बिजनौर गई थी। प्रियंका राहुल के साथ मेरठ भी जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को मेरठ शहर में घुसने से पहले ही थाम लिया था। अब प्रियंका यूपी प्रशासन पर ही हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही है। बिजनौर गई थी, वहां दो बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला, वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतजार किया, फिर कोई दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहाँ पे वो रहता था वहाँ दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप FIR दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। प्रियंका गांधी ने अब यूपी सरकार के सामने चार मांगों का पुलिंदा रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग और DGP द्वारा तुरंत आदेश जारी करके पुलिस और सरकार द्वारा किए जा रही हिंसात्मक, गैर कानूनी और आपराधिक कार्यवाही का तुरंत रोका जाए। मौजूदा हाईकोर्ट जज या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी की शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगाए गए मुकदमों की सत्यता और वैधता तत्काल निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना संपत्तियों को सील करने, संपत्ति जब्त करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह की एकेडमिक और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। ये हमारी चार मांगें। प्रियंका गांधी वाड्रा 28 दिसंबर से ही यूपी में जमी हुई हैं। शनिवार को उन्होंने पूर्व IPS ऑफिसर SR दारापुरी के परिजनों से मुलाकात की। दारापुरी को पुलिस ने लखनऊ में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आज प्रियंका ने दारापुरी की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। देश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। यहाँ लखनऊ में
मैं दारापुरी जी से के परिवार से मिलने जा रही थी। 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। शनिवार को प्रियंका जब लखनऊ में पूर्व आईपीएस दारापुरी के घर वालों से मिलने जा रही थी, तब उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। जिस स्कूटी से वो दारापुरी में उनके घर गई, उसका चालान कट गया। प्रियंका ने तो इन दोनों सवालों को नकार दिया, बोली कि उनकी सुरक्षा का सवाल छोटा सा है, चालान कटा है तो जुर्माना भी भर देंगे। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, हम आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, लगाने दीजिए, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये दे देंगे फाइन जो भी है। इससे पहले कांग्रेस ने नागरिकता कानून के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। प्रियंका ने आज साफ कर दिया कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर पूरे यूपी में प्रदर्शन करेगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। प्रियंका गांधी के सियासी हमले के बाद यूपी की राजनीति में खलबली मच गई। बीजेपी की ओर से एक के बाद एक नेता सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा तीखा हमला उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को लेकर किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि ये है क्या, भगवा है क्या, इनको पता ही नहीं, क्योंकि परिवार में उस प्रकार के संस्कार की आवश्यकता थी। हो सकता है कि कहीं किसी दूसरे देश के संस्कार मिले हो, किसी दूसरे प्रकार का संस्कार उन्होंने लिया हो। ये सहिष्णुता के बारे में, भगवा धर्म के अहिंसा की प्रवृत्ति के बारे में, भगवा चोले के महत्व के बारे में उनको पता होना चाहिए था, उनको पता नहीं हुआ है और उन्होंने अनर्गल आरोप लगा डाले। अब मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट की गई हैं, जिसका नोटिस मिला है, उनमें दारापुरी जी भी हैं। अगर कोई उपद्रवी है, राज्य की संपत्ति को नुकसान में पहुंचाया है, तो राज्य की संपत्ति में नुकसान को पहुंचाने वाले की संपत्ति से वसूली हो, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा माननीय न्यायालयों के समय समय पर अभिमत भी यही आए हैं। जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे? जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। कांग्रेस की तो आदत में ही शुमार है कि कानून को ना मानना। 144 लगी हो तो तोड़ दो। कहां पर आपके जितने लोग हैं, अगर उपद्रव भी भड़काने के लिए आ रहे हैं तो उनको आप एकत्रित कर दो। उनको आप गलत सूचना देकर उनको भ्रम में डालने के लिए कोई भी भाषण दे डालो। ये कुछ दिनों से इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। विपक्ष नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। सबके बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कहा गया कि NRC कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ गए। बकायदा ट्विटर पर उन्होंने मैसेज किया, हैशटैग के जरिए एक नए तरह की राजनीति भी उन्होंने शुरू कर दी। CAA के समर्थन में अब लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है।
नागरिकता संशोधन कानून पर उठी विरोध की आवाज को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मैदान में उतरने की ठान ली है। मोदी ने ट्विटर पर इंडिया सपोर्ट CAA नाम से नए कैंपेन की शुरुआत की। इस ट्वीट में लिखा है #IndiaSupportsCAA, क्योंकि CAA प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं। पीएम मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा, CAA को लेकर सभी पहलुओं पर सदगुरु की इस स्पष्ट व्याख्या को सुने। वह ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए शानदार ढंग से भाईचारे की हमारी संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। पीएम मोदी ने सदगुरु का जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें सदगुरु लखनऊ की एक लड़की के सवाल का जवाब देते हुए बता रहे हैं कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को बरगला रहे हैं। I was wondering, did I miss something? I think in a very calibrated way, somebody sent the message to the minorities that your citizenship is under threat. This lie did fly for the last one week. Now it's landed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त में इस कैंपेन की शुरुआत की है जब पूरा विपक्ष नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ एकजुट हो रहा है। लुधियाना में कांग्रेस ने CAA के विरोध में मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इस धरने और प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है NRC। NRC का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है NRC को लागू करने का। और वैसे भी कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि NRC उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से ही नागरिकता कानून के खिलाफ लड़ाई छेड़ चुके हैं। हम BJP को, RSS को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा। असम को RSS के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे। असम को असम की जनता चलाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो असहयोग आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो नागरिकता को लेकर कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज है। हम कहां से ढूंढेंगे बताओ कागज? किसी 60 साल के आदमी से पूछ के आइए कि बताओ आपका, आपके पिताजी का जन्म स्थान के कागज कहां है। हर गरीब के खिलाफ है ये। देश में नागरिकता कानून के समर्थन और विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। विपक्ष जहां CAA पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो अब मैदान में पीएम मोदी भी उतर चुके हैं। यानी CAA पर सियासी लड़ाई दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है। लखनऊ में शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ मंजीत सहगल, लुधियाना आज तक। ठंड का प्रचंड प्रहार इस वक्त समूचे उत्तर भारत में देखा जा रहा है और राजधानी दिल्ली की तो कपकपी छूट गई है। 119 सालों का रिकॉर्ड राजधानी ने तोड़ दिया है। हम आपको ठंड से ठिठुरती, कांपती, सिकुड़ती दिल्ली का पूरा हाल बताने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है तो दिल्ली NCR समेत समूचा उत्तर भारत, जहां पर कोहरे का कोहराम भी मचा हुआ है। UP से लेकर बिहार तक कोहरे में कई लोगों की जान आफत में पड़ चुकी है तो पहाड़ों पर भी भयंकर बर्फबारी हो रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो ये साफ साफ बताती हैं कि कैसे ठंड ने दिल्ली वालों को घर में दुपकने के लिए मजबूर कर दिया है। 119 सालों के बाद राजधानी इस तरह की ठंड की वजह से कांप रही है। आपको ये भी बताते चले, आज के पहले 1901 में ऐसी ठंड दिल्ली वालों ने महसूस की थी, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, किसी की बत्तीसी कड़कड़ा रही है तो कोई घर में ही चुपचाप सिकुड़ने को, दबकने को मजबूर है इस ठंड की वजह से। देखिए आप भी। दिल्ली में सदी की सबसे भयंकर सर्दी। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 119 साल पुराना रिकॉर्ड। राजधानी में ठंड और कोहरे में छूटी कंपकपी। दिल्ली में शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड। नए साल का बारिश और ओलों वाली ठंड से स्वागत।
ठंड क्या होती है और कड़ाके की ठंड किसे कहते हैं, इस वक्त दिल्ली वालों से पूछ लो। सड़क पर घना कोहरा है, प्रचंड ठंड से लोगों की कपकपी छूट रही है। दिल्ली को कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है। तस्वीर दिखाएं हम आपको दिल्ली के विजय चौक की, नई दिल्ली का यही इलाका जहां संसद भी इस कोहरे के पीछे छुप गया है। कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी सिर्फ बाहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि नई दिल्ली में यानी शहर के भीतर भी कुछ इस कदर घट गई है कि मैं जहां से खड़ा हूं वहां से संसद की दूरी महज 50 मीटर है और मेरे ठीक पीछे संसद इस कोहरे में गायब हो गया है। सोमवार की सुबह सफेद चादर में लिपटी रही देश की राजधानी दिल्ली। हालांकि तस्वीरों में हम आपको इंडिया गेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो फिलहाल नजर आ रहा है कि कोहरे में गायब। यहाँ देखे क्या कुछ स्थिति है, सफेद चादर में दिल्ली NCR लिपटा हुआ है, डेंस फॉग कंडीशंस राजधानी में बनी हुई। घना कोहरा बहुत ज्यादा है और ये कोहरा इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर में घुस चुका है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो विश्रामालय है वहाँ पर भी जो है कोहरा घुस चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए कहीं अलग अलग जगहों पर दुबक कर बैठे हुए हैं। जी हाँ, यही है देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। इंडिया गेट गायब है, संसद भवन गायब है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें गायब हैं। दिल्ली में सदी की सबसे भयंकर सर्दी जो पड़ रही है, शीतलहर हड्डियों में पार हो रही है। दिल्ली में हालात कुछ ऐसे हैं कि बस बर्फ गिरना ही बाकी रह गया है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और इस तरह दिल्ली की सर्दी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 119 साल में यानी 1901 के बाद आज दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है। इससे पहले 1919, 1929, 1961 और 1997 में दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ी थी। दिल्ली में सुबह तकरीबन 9 बजे इंडिया गेट और संसद भवन नजर आया तो दोपहर 3 बजे फिर आज तक के कैमरे ने कोशिश की लेकिन कोहरे ने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के दर्शन नहीं होने दिए। इस वक्त दोपहर के 3 बजे लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह के 8 बजे क्योंकि जबरदस्त कोहरा है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। और आप देखिए दोपहर के 3 बजे भी इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा क्योंकि इतना ज्यादा घना कोहरा है। और न सिर्फ कोहरा है बल्कि सर्दी का सितम भी जो है वो दिल्ली NCR वासियों को परेशान कर रहा है। मेरे पीछे आप देखिए राष्ट्रपति भवन जो है वो भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा है दोपहर के 3 बजे। नहीं तो अमूमन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सर्दी होती है लेकिन साथ साथ धूप भी खिली होती है तो कोहरा छट जाता है लेकिन कोहरा इतना ज्यादा है कि अभी भी राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आ रहा। ठंड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडी है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि दिल्ली की ठंड से बचने के लिए आप शिमला और मसूरी का रुख कर सकते हैं। ऐसे में हमें परेशानी हो रही है जैसे स्कूल हम जा रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे क्या है क्या नहीं है। ये धुंध में हम लोगों को बहुत कम दिखाई दे रहा है, काफी दूर की मतलब अब तो काफी पास की भी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली की सड़कों पर लोग अपने वाहनों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं। फॉग ऐसा चल रहा है कि आमने सामने का भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कितना ज्यादा घना कोहरा है। सुबह के 9 बजे हैं लेकिन अभी यहां पर कितना ज्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी लगभग 40 से 50 मीटर है और जो गाड़ियां हैं वो काफी स्लो रफ्तार में चल रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों को हेडलाइट जला करके चलना पड़ रहा है। ठंड वाली इस अंधाधुंध में एक ट्रक तो डिवाइडर के ऊपर ही चढ़ गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक कूड़ा बहुत ज्यादा था सर, कोई कुछ दिख नहीं रहा था अंधेरा में। हाँ, कूड़ा बहुत ज्यादा था, कुछ दिख नहीं रहा था तो आगे से ऐसा लग रहा था पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा था। मैं इसमें चढ़ा दिया, फिर क्या करता, फिर नुकसान भी हो गया मेरा भी। और दिल्ली में ऐसा मौसम नए साल पर भी रहने वाला है। मंगलवार शाम को बारिश की संभावना है जबकि बुधवार और बृहस्पतिवार यानी 1 और 2 जनवरी को झमाझम बारिश के साथ ही कई क्षेत्रों में ओले भी पड़ सकते हैं, यानी नए साल का स्वागत ओलों वाली ठंड से हो सकता है। आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपने देख ली, वहीं उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं आपको जहां पर कोहरे ने ऐसा कोहराम मचाया हुआ है, एक कार नहर में जा गिरी जिसके कारण 5 लोगों की जान चली गई है। बिहार में तो लोग इतने ज्यादा मुश्किल में हैं कि गठरी बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में हो रही है बर्फबारी। पूरा का पूरा उत्तर भारत शीतलहर प्रचंड ठंड की वजह से कांप रहा है, मुश्किल से बीत रहे हैं लोगों के दिन। देखिए
इस वक्त समूचा उत्तर भारत ठंड का दंड झेल रहा है। एक तो खून जमाने वाली सर्दी पड़ रही है, ऊपर से कोहरा जानलेवा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, हरियाणा से पंजाब तक ठंड ने कोहराम मचा रखा है। इस तस्वीर को देखिए, एक कार के परखच्चे उड़े हुए हैं, खिड़की डिक्की सब टूटी हुई है, कार में रस्सियां बंधी हुई है। हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के धनकौर की हैं। यहाँ कोहरे के चलते ये कार खेरली नहर में जा गिरी। इस कार में 11 लोग बैठे हुए थे। संभल से दिल्ली आते वक्त घने कोहरे में ड्राइवर को नहर दिखाई ही नहीं दी और कार उसमें जा गिरी। बड़ी मुश्किल से गांव वालों के साथ पुलिस वालों ने लोगों को नहर से निकाला, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर है। कल देर रात्रि एक कार अर्टिगा जो संभल से आ रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे, बहुत ही घना कोहरा था, उसके कारण ये खेड़ली नहर है जो थाना धनकौर क्षेत्र में है, वहाँ पे अनकंट्रोल होकर ये कार नहर में गिर गई और उसमें 11 लोग उसमें ट्रैप हो गए। यूपी में इस वक्त प्रचंड ठंड के साथ कोहरा भी कोहराम मचा रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से लखनऊ और मेरठ से बाराबंकी और प्रयागराज से देवरिया तक, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विकट ठंड पड़ रही है। यूपी में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोग आग के आगे बैठे हुए हैं। मेरठ में कोहरा भयंकर है तो बाराबंकी में पारा 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि प्रयागराज में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देवरिया में भी ठंड का यही आलम है। पूरे उत्तर भारत की तरह लखनऊ भी कड़ाके की ठंड से अछूता नहीं है। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ का हाल ये है कि जो न्यूनतम तापमान है वह तकरीबन 3 से 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। ऐसे जगहों पे आप देख सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पे सड़कों के किनारे लोग किसी तरीके से अलाव ताप कर ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पुलिस वाले हों या आम आदमी। सबके लिए जो सुबह निकलते हैं या फिर जिनकी ड्यूटी देर रात तक रहती है, उनके लिए इस ठंड से बचना मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेघर भी हैं। यहाँ पर इस तरीके से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रामलाल साहब। में कैसे रहते हैं? अरे साहब, सड़क पे रहते हैं और देश में बता रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, आप विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? ये राजस्थान के चुरू की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि कैसे फसलों पर बर्फ जमी हुई है। चुरू में पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ये देखिए, सरसों की फसल पर पानी बर्फ बन गया है। सिर्फ सरसों ही नहीं, खेतों में जितनी भी फसल खड़ी है सब जम गई है। सर्दी बहुत ज्यादा काफी पड़ रही है, 2 दिन से हर आदमी को कफकफी छूट रही है। और यह है राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का मंजर। देखिए, गमले में रखा हुआ पानी जम गया है। फतेहपुर में गुरुवार और शुक्रवार को -3 डिग्री और शनिवार को -4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को रात का तापमान 0.5 डिग्री था। रेगिस्तान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का आलम यह है कि पत्ता पत्ता जम गया है। राजस्थान में चुरू और फतेहपुर ही नहीं बल्कि झालावाड़, अलवर, बारा और धौलपुर में भी हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ये वही रेगिस्तान है जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है और इस वक्त पूरा रेगिस्तान कपकपा रहा है। यहां हर कोई ठंड से पनाह मांग रहा है। ठंड बहुत हाड़ कपाने वाली ठंड है। बूढ़े बड़े बुजुर्गों से पूछा जाए तो उनके अनुसार तो ऐसी ठंड लगभग 100 साल पहले पड़ी थी। इतनी ठंड 19 सदी में पड़ी थी और जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने जरूरी कामों से निकल पा रहे हैं और बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो काफी सारे कपड़े पहन के आ रहे हैं सर, और जो टेम्परेचर इस टाइम 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। बिहार में भी ठंड ने जीना दुश्वार कर रखा है। पटना से लेकर गया और बेगूसराय में ठंड और कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। बेगूसराय में तो कोहरे में गाड़ियों की इतनी भयानक टक्कर हुई कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बिहार की राजधानी पटना में भी प्रचंड ठंड का प्रकोप है। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए, कुछ राहत के लिए किस तरीके से अलाव जलाकर जगह जगह पर जो है इस तरीके से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है 48 घंटे के लिए, और जो पूर्वानुमान ये भी है कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 जनवरी यानी कि नए साल पे बारिश भी हो सकती है राजधानी पटना समेत बिहार के कई इलाकों में।
मध्य प्रदेश के खजुराहो और ग्वालियर में भी लोग ठंड से पनाह मांग रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी ठंड खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। अब आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां पर 10 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। पारा -6.5 डिग्री तक वहां पर इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं मशहूर डल झील, जिसका पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुका है। यह है श्रीनगर की डल झील। ठंड से डल झील जम चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे डंडे से बर्फ की परत को तोड़ा जा रहा है। लोग डल झील से बर्फ की परतें उठा उठा कर दिखा रहे हैं। कोयला लाना पड़ता है पहले, और कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं, बुखारी, कोई कोई बुखारी करता है, कोई गैस बुखारी। जम्मू कश्मीर में सोमवार को पिछले 10 सालों का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में पारा 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शहर में सबसे सर्द रात 28 दिसंबर 1998 को दर्ज की गई थी, जब पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीनगर में ठंड लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिलहाल कश्मीर में लोग ठंड से ठुठर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तालाब, झील, पानी के जितने भी साधन हैं वो जम रहे हैं, और लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि नए साल के शुरू में ही जिस अंदाज से कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, उससे ठंड से तो राहत मिलेगी, लेकिन लोगों की दिक्कतें बर्फबारी के चलते और बढ़ सकती हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही।